बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज का हमारा आज के सेशन का टॉपिक जो है वो है कोर्स कंटेंट ऑफ द सीएसएस, फिलासफी सीएसएस का कोर्स कंटेंट। यानी फिलासफी सीएसएस में हम से और टॉपिक्स है या एरियाज है जो कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिलासफी हम कवर करेंगे, जो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिलासफी हम स्टडी करेंगे फॉर सीएसएस एग्जाम के लिए। तो बेसिकली जैसा कि मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि फिलासफी जो है इट इज़ टोटली डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिलासफी एक विजडम की स्टडी है, इंटेलेक्ट की स्टडी है। तो टोटली ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम फिलासफी को डिवाइड करें, फिलासफी की ब्रेकडाउन कर लें। रदर फिलासफी को ईजी करने के लिए, मैनेजेबल करने के लिए और एक शार्ट करने के लिए सीएसएस लेवल पे 7 टॉपिक्स में, यानी इनकी जो होल जो फिलासॉफिकल डिबेट्स है, जिन टॉपिक्स के ऊपर हम डिबेट्स करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे 7 टॉपिक्स में या 7 एरियाज में, ये 7 कंपोनेंट्स में उनको डिवाइड किया गया है। और अब मैं 1 by 1 को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो आमतौर पर होता है इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो बायोलॉजी हो, वो मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, स्टार्ट में हम जो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं और अबाउट द नेचर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के नेचर के बारे में सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। तो सिमिलरली सीएसएस का भी जो फर्स्ट टॉपिक होगा, द फर्स्ट टॉपिक अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन ऑफ फिलासफी। इसमें हम पढ़ेंगे फिलासफी क्या है, फिलासफी के एरियाज क्या हैं, फिलासफी की जो मेजर थीम्स है या मेजर जो टॉपिक्स है जो हम कवर करते हैं या जो डिस्कस करते हैं अबाउट फिलासफी में, वो स्टडी करेंगे। क्योंकि आमतौर पर एक कन्फ्यूजन सोसाइटी में ये है कि फिलासफी जो है सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिनका वजूद ना हो, लेकिन ये भी टोटली गलत बात है, रॉन्ग कंसेप्ट है अबाउट द फिलासफी। बेसिकली फिलासफी डील्स विद ऑल दोज कॉन्सेप्ट, ऑल दोज क्वेश्चंस जो सोसाइटी से है, जो सोसाइटी में कॉमन है, जो सोसाइटी के सोशल प्रैक्टिस से है, जो रिलीजन से है, जो कि हमारे डेली टू डेली लाइफ से है। तो बेसिकली सोसाइटी ही से है, सोसाइटी ही से फिलासफी की स्टडी है। तो फर्स्ट जो टॉपिक्स है या फर्स्ट जो एरियाज है उसमें हम फिलासफी, फिलासफी की थीम्स, फिलासफी नेचर, फिलासफी स्कोप के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और डिटेल एक स्टडी होगी काफ़ी। उसमें फिलासफी ब्रांचेस भी है, फिलासफी की जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स है उस पर बात करेंगे। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो फिलासफिकल मेथड्स है। क्वेश्चन एराइज होता है मेथड्स, फिलासफी मेथड्स, यानी वो मेथड्स जो फिलासफरों ने डिफरेंट टाइम्स में, आइदर वो ग्रीक में थे, आइदर वो रोमन में थे, आइदर वो मुस्लिम में थे, या आइदर वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, इन्होंने फिलासॉफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिलासॉफिकल इशू को फाइंड आउट करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स डेवलप की है, जो डिफरेंट वेज डेवलप की है, जो डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप की है, उन अप्रोचेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको जो कि ये मेथड्स या ये जो टूल्स है या ये जो वेज है जिनके ज़रिए से हम एक ट्रुथ फाइंड करते हैं, जिनके ज़रिए से फिलासॉफिकल इशू को हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फिलासॉफिकल मेथड्स कहते हैं। एंड दोज ये मेथड्स जो है ये डेवलप हुई है या डेवलप की गई हैं बाय द फिलासफर। क्योंकि इससे पहले हमने फिलासफी के डिफिनीशन में हम पढ़ चुके हैं कि फिलासफी बेसिकली द स्टडी है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन है या डीप एनालिसिस है ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एराइज होते हैं, आइदर वो किसी भी लेवल पे हो, तो उन क्वेश्चनों को फाइंड करना, उन क्वेश्चनों को डिटेल में स्टडी करना, उन क्वेश्चनों के बारे में एक डिटेल एक स्टडी, ये एरिया ऑफ द फिलासफी है। तो फिलासॉफिकल मेथड्स डिफरेंट सिविलाइजेशंस में, डिफरेंट टाइम्स में फिलासफरों ने डिफरेंट अप्रोचेज फाइंड की हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सोक्रेटिक मेथड्स है, जो कि ग्रीक के एक वेल नोन फिलासफर सोक्रेटिस ने, जिसको हम सुकरात कहते हैं, उसने डेवलप की थी, उसने डिज़ाइन की थी, और लेटर ऑन डिफरेंट पीपल्स ने उनके ऊपर काम भी किया और स्टिल भी यूजेबल है, जिसको हम डायलॉग कहते हैं, जिसको हम फेस टू फेस डिस्कशन कहते हैं, जिसको हम क्वेश्चन आंसर कहते हैं। ये एक एजुकेशन फील्ड में भी एक मेथोडोलॉजी स्टिल भी है,
आजकल तो कोरोना वायरस के बाद से इसमें टेक्नोलॉजी को और भी बहुत ज़्यादा इनकी इम्प्रूवमेंट या इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेशन वी कैन से के हुई, क्योंकि स्टूडेंट किसी और जगह है, टीचर है, तो आपस में इनफॉर्मली या फॉर्मली एजुकेशन प्रोसेस में क्वेश्चन आस्क करता है, देन आंसर, देन क्वेश्चन आंसर, या जिस तरह हम सोशल मीडिया पे नेट के ज़रिए से या ऑनलाइनली आमतौर पर हम करते हैं, एक बंदा क्वेश्चन आस्क करता है, दूसरा बंदा उसको जवाब दे देता है, तो सच जो कम्युनिकेशन है तो दैट्स बेसिकली ऑसोक्रेटिक वेज है, जिसमें एक क्वेश्चन एंड देन उनके रिस्पॉन्स, उनका जवाब जो है वो दिया जाता है या देते हैं। सोक्रेटिमेट जो है ग्रीक में हुई, ऑस्टेल जो है यूजेबल भी है, ऑस्टेल जो है इस्तेमाल में भी है। फिर उसके बाद इंडक्टिव मेथड्स है, इंडक्टिव इंडक्शन से निकला, इंड्यूस। इंडक्शन में क्या होता है, आमतौर पर हम अभी भी सोशल साइंसेज में जब रिसर्च करते हैं किसी भी लेवल में, तो हम बेसिकली कुछ पर्टिकुलर क्लेम्स, पर्टिकुलर क्लेम्स को, पर्टिकुलर रिसर्च को, पर्टिकुलर सर्वे को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को, पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसको मिला के हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। हम कहते हैं कि प्रोबेबली ये थ्योरीज, फला थ्योरीज, फला थ्योरीज जो है सपोर्टेड है, तो देयरफॉर प्रोबेबली द सेम सिचुएशन है। मिसाल के तौर पर आमतौर पर हम देखते हैं कि ऑल जो फ्रूट्स हैं गुड है फॉर हेल्थ, में एनर्जी है, तो हम कहते हैं एप्पल फ्रूट है, हम कहते हैं कि एप्पल मैंगो एक फ्रूट्स है, फिर हम कहते हैं कि फला चीज प्रूफ है, फला है, फला है, डिफरेंट फ्रूट्स के नाम लेते हैं, और फाइनली हम ये कंक्लूड करते हैं, प्रोबेबिलिटी कायम करते हैं कि प्रोबेबली ऑल जो फ्रूट्स हैं गुड है फॉर हेल्थ, में एनर्जी है। तो ये इसी तरह के जब हम कहते हैं तो ये इंडक्शन है। इंडक्शन में आमतौर पर हम डिफरेंट पर्टिकुलर इवेंट्स को इंड्यूस करते हैं और फाइनली हम इनके ऊपर एक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हैं, या वे ऑफ सर्च भी हैं, या वे ऑफ द डीप स्टडी एडवांसमेंट एकेडमिया में भी हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट में इस्तेमाल करते हैं। बेकन ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया, चूँकि ये एक फिलासॉफिकल वे है ऑफ फाइंडिंग द ट्रुथ, तो उनके हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन दैट एक स्पेसिफिक उसमें। तो ये सेकंड, थर्ड जो एक फिलासॉफिकल मेथड है जिसे डिडक्शन, डिडक्शन डिड्यूस करना। अब डिडक्शन टोटली इंडक्शन मेथड के टोटल अपोजिट जो एक मेथडोलॉजी है, टोटली अपोजिट जो एक तरीका कार है जिसके जरिए से हम फाइंड आउट करते हैं ट्रुथ को, रियलिटीज को, तो दैट्स वे या दैट्स अप्रोच को हम डिडक्शन डिड्यूस कहते हैं। डिडक्शन जो वे है ये एरिस्टोटल ने सबसे पहले इसको डिज़ाइन की थी, या इसको इसकी स्टार्ट ली थी, या इसकी जो स्टेप है और एरिस्टोटल है, एरिस्टोटेलियन थॉट्स से हैं। तो इसमें क्या है कि जनरल एक स्टेटमेंट, जनरल लॉस, जनरल थ्योरीज को हम जब एक पर्टिकुलर इवेंट्स पे या ओकेजन पे अप्लाई करते हैं, तो दैट्स मिसाल के तौर पर आमतौर पर हम कहते हैं कि ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ है, और मैंगो इज अ फ्रूट, देयरफॉर मैंगो इज आल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो एक जनरल एक थ्योरी है, एक जनरल एजम्पशन है, एक जनरल स्टेटमेंट है, उसको हम एक पर्टिकुलर फ्रूट या पर्टिकुलर वेजिटेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, या पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, तो सच लाइक जब हम रीजनिंग करते हैं या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम डिडक्शन कहते हैं, डिड्यूस है। ये स्टिल भी अगरचे ये बहुत ही ओल्ड यानी एरिस्टोटेलियन ग्रीक पीरियड से ये भी हैं, और उसने अपने दौर में की, फिर उसको मुख्तलिफ टाइम्स में इसकी हुई, फिर डिकार्ट्स ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया इस मेथड के, इस टूल के ऊपर जिसके ज़रिए से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, या एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऑफ दोस क्वेश्चंस जो कि इससे पहले इसकी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्टेड नहीं होती है, या इससे पहले उनके कोई रिजल्ट पे हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये वी वे है, तो ये थर्ड वे है जिसको हम डिडक्शन कहते हैं। फोर्थ वे जो है वो डायलेक्टिकल वे हैं, डायलेक्टिकल वे बेसिकली हीगल, जर्मन फिलासफर हीगल ने डेवलप की, तो इसको हेगेलियन मेथड्स भी आमतौर पर बाज़ लोग कहते हैं। ये वो वे है या एक टूल्स है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पर बीइंग, और इसके बाद जो है मिसाल के तौर पर थिंग, नथिंग, फिर उसकी कंपोजिशन होती हैं। मिसाल इसके मैं सिंपली ऐसे समझाऊँगा,
एक बीमारी होती है एक वायरस से, जिस तरह अब कोरोना वायरस से है, मुख्तलिफ डिफरेंट डिजीज है, तो इसमें एक एंटीजन है, फिर उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के आपस में प्रोसेस रिजल्ट में क्या हो जाती है, एक थर्ड स्टेप, यानी बंदा जो है वो क्या हो जाती है, एक सिंथेसिस हो जाती है, और सिंथेसिस मीन्स के वहाँ पे इम्यून सिस्टम डेवलप, और उसको बंदे से बंदा वो जो डिजीज है, जो जर्म्स है, जो एंटीजन है, उनके अपोजिट एंटीबॉडीज की वजह से क्या हो जाती है, क्या वो कंट्रोलिंग हो जाती है। तो ये जो तरीका है, इसी तरीके के जो फिलासॉफिकल इशूज है, यानी वन इशूज है अपोजिशन एंड देन बिकमिंग, तो दैट अप्रोच जो है हेगेलियन अप्रोच कहते हैं, ये हेगेलियन को डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म भी कहते हैं, जो कि बहुत जो हेगेलियन की मैटेरियलिज्म नॉन है, जिस वजह से हेगेलियन मैटेरियलिज्म भी कहते हैं या हेगेलियन डायलेक्टिक्स भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट वेज है या मेथड्स है जो कि फिलासफी में यूजेबल है, फिलासफी में इस्तेमाल में है, जिनका इस्तेमाल होता है। तो ये सेकेंड टॉपिक आए फिलासॉफिकल मैथ्स के ऊपर, फिलासॉफिकल जो मेथड्स है उसको। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी कैसे कहते हैं, ये एक एपिस्टम नोविंग्स, जब किसी चीज़ के बारे में उनकी नोविंग्स के बारे में जब जानते हैं, तो ये वो ब्रांच है फिलासफी जिसको थ्योरीज ऑफ नॉलेज कहते हैं, यानी नॉलेज अबाउट नॉलेज, नॉलेज ऑफ द नॉलेज, यानी किस तरीके से हम नॉलेज को गेन करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को नोस करते हैं। तो इट्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है एपिस्टेमोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर इसके डिफरेंट अप्रोच है, हाउ वी नो द थिंग्स, हाउ वी लर्न द थिंग्स, हाउ वी नोज अबाउट और सराउंडिंग में डिफरेंट चीज़ें, हमारी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन हम किस तरह करते हैं, तो इसके बारे में एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी का एरिया नॉलेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज अबाउट नॉलेज है, जिसमें नॉलेज के बारे में हम नॉलेज करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। इसमें डिफरेंट स्कूल्स है सब, एक जो है एम्पिरिसिज्म, एक्सपीरियंस बेस्ड, यानी दे एडुकेट कि और लर्निंग है, या हमारी जो एक सोशल लर्निंग का सिस्टम है दैट्स बेसिकली, ये बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड पे है, थ्रू एक्सपीरियंस वी लर्न थिंग्स। हम आमतौर पर इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एडुकेट भी करते हैं, फेवर भी करते हैं इस मेथड को, कि हमारी जो लर्निंग है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपीरियंस ही हम चीज़ों को सकते हैं। जॉन लॉक है, बर्कले है, मेन फिलासफर जॉन लॉक और बर्कले जो एडुकेट करते हैं दिस थिंग स्कूल ऑफ थॉट्स को, जो कि एम्पिरिसिस्ट है, एम्पिरिसिज्म के बेस्ट पे। एक है रेशनलिज्म, रेशनलिज्म रीजन बेस्ड, चीज इज नॉट इन द एक्सपीरियंस बट दैट्स बेसिकली एक माइंड रीजन बेस्ड है, रेशनलिस्टिक है। अब ये लोग जो एडुकेट करते हैं, इनमें जो बेसिक था वो प्लेटो था, प्लेटो ने ग्रीक में क्या कि रियलिटी जो है इट इज नॉट आउटसाइड, नहीं है, इट इज़ माइंड में भी है, माइंड में समथिंग है जिसकी परसेप्शन होती है आउटर ऑब्जेक्ट को, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलके कंपोजिशन होती है। तो प्लेटो जो था ही वॉज द लीडिंग एडुकेट ऑफ दिस स्कूल, और ये जो स्कूल है जिसको रेशनलिज्म कहते हैं, तो सबसे पहले प्लेटो ने इसके ऊपर काम किया। लेटर ऑन ये ट्रेडिशन रही डायकॉट्स, जो कि वेल नोन इंग्लिश फिलासफर है, उसने फर्दर ही इसके ऊपर काम किया, फर्दर ही इसको डेवलप किया, फर्दर इसकी की। और फिर इसके अलावा सम रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स की भी है, जो इंट्यूशन को इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, जो हमारे मुस्लिम में भी हैं, मुस्लिम फिलासफी में जो सूफीज़म स्कूल ऑफ थॉट्स है वो भी बिलीव करते हैं, जब कोई नॉलेज ना हो अबाउट समथिंग तो इंट्यूशन के ज़रिए से बंदे को, जिस तरह मुख्तलिफ प्रॉफिट्स को नॉलेज की हो जाती है, नॉलेज को कम्युनिकेट किया जाता है, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड की कम्युनिकेशन होती है टू द पीपल्स इन अडर फॉर देयर गाइडलाइंस, तो इंट्यूशन है। बाक्सान वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेस्टर्न फिलासफर थे, ही वाज द एडुकेट ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट्स, कि बेसिकली जो हम चीज़ों के बारे में नोस करते हैं तो दैट्स बेसिकली क्या है, ये इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन एक वे ऑफ नॉलेज भी है, वे ऑफ लर्निंग भी है। तो सिमिलरली तो ये जो है हमारा जो थर्ड मेजर एरिया है, या थर्ड जो टॉपिक है इन द फिलासफी, दैट्स बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी है, अबाउट द थ्योरीज ऑफ नॉलेज है, अबाउट थ्योरी ऑफ नोविंग्स है। फिर इसमें जो मेन स्कूल्स है, जो एडुकेट है, और रेशनलिज्म है, और एम्पिरिसिज्म है, और इंट्यूशन वह है जो कि बिलीव करते हैं इंट्यूशन एज द वे ऑफ नॉलेज। फिर इसके बाद फोर्थ टॉपिक जो है वो अंटॉलॉजी है। अंटॉलॉजी कैसे कहते हैं, बी वजूद, वजूदियत,
बींग्स, एक चीज की वैल्यू, इस चीज की एग्जिस्टेंस की वैल्यू, तो दैट्स क्वेश्चन. आम क्वेश्चन ये होता है कि ये जो हम नेचर देखते हैं, ये जो वजूद देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस क्या है, इनकी एग्जिस्टेंस की जो रियलिटी है वो क्या है, रियल चीज क्या है. ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट्स है फ्रॉम स्टार्ट ग्रीक से लेके रोमन सिविलाइजेशन में, मुस्लिम सिविलाइजेशन में, एंड नाउडेज इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न जो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है, हर जगह ये डिस्कशन, ये डिबेट्स आम है कि रियलिटी क्या है, वजूदियत क्या है, रियलिटी क्या है, बींग्स जिसको हम कहते हैं, बींग्स की बींग है क्या चीज़, व्हाट इज बींग, बींग क्या है, फिर इनकी जो वजूद है, इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनकी क्या रियलिटीज है, क्या हकीकत है, क्या फैक्ट है, इसके बारे में जो है. और फिर इसमें भी डिफरेंट हम स्कूल्स की बात ऑन्टोलॉजी में भी करेंगे, जिसमें एक आइडियलिज्म है, आइडिया मेन थिंग, ये मैन ये एडवोकेट करते हैं कि जो मेन रियलिटी है दैट इज आइडिया, ए आइडिया ऑफ समथिंग, आइडिया अबाउट समथिंग, आइडिया ऑफ समथिंग, आइडिया अबाउट समथिंग. प्लेटो वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें हम ग्रीक से, क्योंकि फर्स्टली मैंने इससे पहले भी डिस्कशन में आपको बताया कि बेसिकली जो नॉलेज स्टार्टिंग पॉइंट दैट वॉज ग्रीक, रोमन, मुस्लिम एंड वेस्टर्न. तो स्टार्ट में ग्रीक सिविलाइजेशन से जब थी, तो प्लेटो ने इसको एडुकेट किया आइडिया के, आइडिया इज द बेसिक रियालिटी, दैट्स द आइडिया. एंड फिर उसके बाद जो है बर्कली ने इसके बाद ऊपर काम किया, बर्कली ने मजीद जो एक्सप्लोरेशन की ऑफ दिस आइडिया बर्कली ने की. फिर इसके बाद एक रियलिज्म है, रियलिज्म, रिप्रेजेंटेशनल रियलिज्म, रियलिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग, किस तरीके से एक बींग की रियलिज्म है, उनकी किस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि जॉन लॉक, जो कि इंग्लिश फिलासफर थे, उसने इसके ऊपर काम किया. तो दैट्स ऑल्सो और एरिया ऑफ स्टडी या और थीम्स है जो हम स्टडी करेंगे. और इसके अलावा कार्ल मार्क्स की जो मटेरियलिज्म है, कि एवरीथिंग की जो एक हकीकत है, जो फैक्ट है, जो इनकी एक मेन एडवोकेट ही वाज ऑफ द मैटर, कि मैटर इज द ऑब्जेक्ट, मैटर इज द अथॉरिटी, मैटर इज द रियलिटी, यानी एवरीथिंग जो है वो कंपोज ऑफ द मैटर है. इफ मैटर है तो एवरीथिंग है, मैटर विदाउट मैटर नथिंग एग्जिस्ट. तो मैटर की एडुकेशन में है. तो बेसिकली जब हम ऑन्टोलॉजी की बात करेंगे, बींग्स की बात करेंगे, रियलिटी ऑफ बींग की बात करेंगे, तो सच लाइक क्वेश्चन, व्हाट इज रियल, व्हाट इज, अब रियलिटी क्या है, रियल चीज़ क्या है, रियल एग्जिस्टेंस क्या है, तो सच लाइक क्वेश्चन को हम ऑन्टोलॉजी में, और फिर इसके ऊपर थ्री जो लीडिंग स्कूल्स है जिनमें हम डिस्कस करेंगे, आइडियलिज्म है, मटेरियलिज्म है, और फिर इसके बाद रियलिज्म है. और ये थ्री स्कूल जो है हम इसके करेंगे, रियलिज्म जिसको रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म भी कहते हैं, और फिर इसके बाद तो हम इसके मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म ये करेंगे. तो ये हमारा जो था फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक में हम मुस्लिम थिंकर या मुस्लिम फिलासफर्स को वी विल डिस्कस. जिस तरह की मैंने बात की, फिलासफी इज़ नॉट स्पेसिफाइड टू एनी स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन, नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक टाइम. ग्रीक में भी है, रोमन में भी है, मुस्लिम में भी है, वेस्ट में भी, एवरीवेयर इनकी हम कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, एवरीवेयर इनकी मैक्सेशन भी है, डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट की इनकी कॉम्बिनेशन होती हैं, एंड विद टाइम उनकी एक डेवलपमेंट हो गई है इनकी काफ़ी उसमें. तो बेसिकली हम मुस्लिम की बात करते हैं, तो मुस्लिम में हम जो स्टार्ट का जो एरा था आफ्टर हुजूर सल्लम, चूँकि इस्लाम ने प्रोपोगेशन की, इस्लाम बेसिकली बहुत ज़्यादा इनका उनका फोकस है नॉलेज के ऊपर, और तो इस वजह से जब बगदाद सिविलाइजेशन हुई, बगदाद में यूनिवर्सिटीज का जो कल्चर, बगदाद में जो नॉलेज की, तो इस दौर में बहुत सारे फिलासफर्स हैं. लेकिन जो यहाँ पे चूँकि हम इस लेवल पे फिलासफी लेवल पे स्पेसिफिकली ओनली फ्यू जो फिलासफर है जो कि वेल नोन है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, इमाम गजाली हैं, अलफराबी हैं, इब्न खलदून है, इब्न सीना है, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेल नोन फिलासफर्स हैं मुस्लिम के जिनकी कंट्रीब्यूशन थी. ऑल्दो सम लोग इसके ऊपर ये इल्ज़ाम करते हैं कि उन्होंने, देखो उन्होंने ग्रीक थॉट्स की हो गई रोमन, रोमन से फिर मुस्लिम में, फिर इन्होंने ट्रांसलेशन भी की, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने डेवलपमेंट भी की, इनकी डेवलपमेंट भी हुई, इन्होंने ऑल एरियाज ऑफ फिलासफी में बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन रही हैं, एंड स्टिल लोग एक्नॉलेज करते हैं एवरीवेयर,
वेस्ट, ईस्ट वेस्ट एवरीवेयर। फिर उसके बाद जो है हम हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके दो वेल नोन जो फिलासफर्स हैं उनको भी हम करेंगे। एक तो शाउलीउल्लाह रहमतुल्लाह थे, शाउलीउल्लाह वाज वन ऑफ द मोस्ट जो थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि शाउलीउल्लाह का जो दवा था दैट वाज आ एरा था कि जब मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारी ईवल्स या सोशली सोसाइटी की लेवल एस लेवल पे थी कि नीड थी फॉर रिफॉर्म्स, देयरफॉर उसको हम एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट के तौर पर जानते हैं। एंड शाउलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने आल्सो उन्होंने इन्वाइट की, इन्वाइटेशन दी टू माहौल को अगेंस्ट, क्योंकि माहौल की जो सोशल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, दीन इलाही कविता और इसके अलावा डिफरेंट कैसे जो ईवल्स है और खासकर मैक्सेशन हुई थी सोसाइटी में, तो अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने इन्वाइट किया मराठों के खिलाफ। एंड आल्सो इन्होंने इज्तिहाद के जो दरवाज़ा है, जो जेहद का दरवाज़ा है, जो रीजनिंग के ऊपर जो एक इस दरवाज़े को बैन किया गया था, जिन दरवाज़े के ऊपर एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन थी, उन्होंने रीओपन की कोशिश की, उनकी ये थी कि दोबारा इज्तिहाद करें, उन सोल्यूशन फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स जो कि अभी एराइज है मुस्लिम सोसाइटी को, जो हम फेस कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इनकी रही, और इनकी किताब जो है जो तो लाहौल बालेगा स्टिल इन डिफरेंट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में इनकी ट्रांसलेशन भी, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टिल पार्ट ऑफ द करिकुलम भी है, कोर्स वर्क भी है। और इसके बाद एक मुस्लिम फिलासफर हज़रत अलामा मोहम्मद इकबाल इज आल्सो द पार्ट ऑफ सलेबस। इकबाल रहमतुल्ला की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट फील्ड्स में है, सिर्फ एक आस्पेक्ट से नहीं। इकबाल वॉज नॉट ओनली पोलिटिकल फिलासफी में उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दैट्स द हुदी, हुदी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ईगो का एक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद उनकी जो एजुकेशन फिलासफी है, फिर उनकी जो एक इज्तिहाद के ऊपर इनका काम है, क्योंकि वो जिस दौर में था, दौर की सोशल रियलिटी ये थी, द मुस्लिम जो थे दे वर इन डार्क पीरियड, मुस्लिम बहुत डिफरेंट आस्पेक्ट्स है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर डिफरेंट किस्म की। तो इकबाल ने कोशिश की रिवाइवलिज्म ऑफ द सोसाइटी, तो रिवाइवल ही उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, और फिर उनकी जो खासकर लेक्चर्स है जो कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के नाम से है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, तो डेट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इनकी। तो हम मुस्लिम फिलासफर या थिंकर में हम इमाम गजाली, अलफराबी, इबन सीना, इबन रुश्द, इबन हल्दून और शाउलीउल्लाह और इकबाल को स्टडी करेंगे, उनकी टीचिंग या उनकी फिलासफिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो ये फिर उसके बाद है एथिक्स। एथिक्स बेसिकली वो ब्रांच ऑफ फिलासफी है जिसमें हम गुडनेस और बेडनेस के दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी मोरेलिटी की बात करते हैं, मॉरल्स वैल्यूज़ की बात करते हैं कि व्हाट इज़ मोरेलिटी, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, गुडनेस क्या है, बेडनेस क्या है। इन द प्रैक्टिसेस हम आमतौर पर ऑब्जर्व करते हैं कि सम एक्शन आर गुड जो कि सोसाइटी में वैलिड है, सोसाइटी अप्रूव होती है, सम एक्शन जो सोसाइटी में डिसअप्रूव, तो दैट्स ऑल वो अनइथिकल इश्यूज़ है। तो सच लाइक प्रैक्टिसेस और सच लाइक वो हम एथिक्स में पढ़ते हैं। और फिर एथिक्स में मेन ये है कि मोरेलिटी, फिर कल्चर का एक क्वेश्चन है, कल्चरल और रिलीजन सम टाइम हम बहुत ज़्यादा उनको इन दो टॉपिक्स को कंफ्यूज कर जाते हैं या मिक्स कर जाते हैं, फिर हम ये नहीं कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ अ कल्चरल है या इट इज़ रिलीजन है। मिसाल के तौर पर अब कोरोना वायरस के हवाले से चूंकि ये ग्लोबल फिनामिना है, ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें एवरीवेयर लोग इसमें है, एवरीवेयर लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, गरीबों की मदद भी है, तो सम टाइम हम तो कहते हैं कि ये मुस्लिम की वजह से विकास भी है, मुस्लिम और हमारी एक इस्लामिकली सकवात हैदात सदकात हैं, लेकिन जहाँ पर मुसलमान नहीं हैं वहाँ भी ये प्रैक्टिसेस है, और इसको सम ज्यूज़ के उसमें लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में यानी मीन्स कि रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सम भी है इसको लोग इसमें लेते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर टू सपोर्ट अ नीडी पीपल्स, जो लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो उनकी सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। तो दैट्स बेसिकली द एरिया ऑफ द एथिक्स का ये एरिया है कि इनके ऊपर हम कर लेंगे। और फिर इथिकल वैल्यूज़ क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, ये एक बहुत डिबेट है एवरीवेयर, हम पॉलिटिक्स में जाते हैं, हम इकोनॉमी में जाते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है कि गुड क्या है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। मेडिकल में क्लोनिंग क्या गुड है क्या बैड है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के रिवाइवलिज्म के साथ या इनकी एडवांसमेंट के साथ ये भी है कि क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है ये प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं, तो सच लाइक जो है। फिर उसके बाद
डिफरेंट फिनामिनाज जो है इसके हवाले से। और सातवां नंबर लास्ट वन जो टॉपिक्स है, दैट टॉपिक इज अबाउट द कंटेम्प्रेरी फिलासॉफिकल जो मूवमेंट्स है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चंद मूवमेंट्स है फिलासॉफिकली जो वेल नोन है, जिसमें एक है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर में भी है, पोस्ट मॉडर्निज्म रिसर्च में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, सोशल वर्क में भी है, साइकोलॉजी में, एवरीवेयर हम पोस्ट मॉडर्निज्म का नाम सुनते हैं। तो दैट्स बेसिकली अ न्यू फिलासॉफिकल या इमर्जिंग स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो ये भी हमारे उसमें पार्ट में है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी बेसिकली एक थ्योरीज है, ये हम पॉलिटिकल साइंस में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, एवरीवेयर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद प्रैग्मेटिज्म है, विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड अमेरिकन फिलासफर ने इसको क्या, तो बेसिकली ये है कि एंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन, अगर एंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज गुड है तो इसको अप्रूव करते हैं, एंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज बैड है तो इसको डिसअप्रूव करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म का जो अप्रोच है, जो एक है जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी है, अमेरिकन इकोनॉमी भी है, और अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशन की पूरी दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशन में जो प्रैग्मेटिज्म है फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, फॉर द एंड इंटरेस्ट जब हम देखते हैं, तो ये प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच है। और इसके अलावा जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एग्जिस्टेंस है, और इसके अलावा इनकी जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है ऑफ द एग्जिस्टेंस, तो ये सेवन टॉपिक्स है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉप सब्जेक्ट, सेकंड फिलोसॉफिकल मेथड्स, थर्ड एथिक्स, फोर्थ एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मुस्लिम जो फिलासफर्स है या मुस्लिम थिंकर्स है, और सेवन मंथ जो है जो करंटली वेल नोन फिलासॉफिकल मूवमेंट्स है जो एवरीवेयर जो है एक्टिव है या एवरीवेयर जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में, और इसके अलावा लिटरेचर में, सोशल स्टडीज़ में। तो इट मीन्स कि इनकी जो थीम्स है ये यूनिवर्सलिज्म है, तो इनके ऊपर तो ये सेवंथ टॉपिक्स है सीएसएस के सिलेबस में। रिकमेंडेड बुक के हवाले से मैं बात करूँगा, लेफ्ट ऑफ पीपल्स डिफरेंट बुक्स है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा एक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी बाय बर्टन रसल, जो कि वेल नोन है, और सेकंडली जो हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम फिलासफी एमएम शरीफ साहब की किताब है, और थर्ड जो बुक है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम बाय डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो हुजतुल्लाहुल बालिगा उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, अफशाउलियुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो ये 3-4 बुक्स जो है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी ऑल ऑफ द टॉपिक्स एक्सेप्ट जो मुस्लिम है, मुस्लिम टॉपिक के लिए एमएम शरीफ साहब की जो हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम फिलासफी है वो बेस्ट है, और इकबाल पोजिशन के लिए इकबाल किताब जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें सती है। तो ये आप इजीली इनसे ये कोर्स, ये सेवन जो टॉपिक्स है इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। एंड में ये के स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, डरना कभी नहीं है फिलासफी से, न तो आपके अकीदे पे, न आपके सोच पे, न दिमाग पे कोई असर नहीं होता, बट फिलासफी के साथ क्या है, विजन है, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। फिलासफी इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ एक पाथवे जिससे आप इंटेलेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सीएसएस में, जो भी लोग ऑप्ट करते हैं फिलासफी को दे कैन ईजिली मोर देन 70 या अबाउ 70 मार्क्स जो है इजिली कैन, बिकॉज चूंकि इसके जो एरिया है, इसके जो टॉपिक्स है वो इंटर रिलेटेड भी हैं, इनकी जो थियोरीज हम पढ़ेंगे ये ऑल थियोरीज जो है ये हेल्पफुल है इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स में। और फिर इसके बाद जो है प्लेटो के हवाले से या वेस्टर्न फिलासफी ग्रीक थॉट्स पोलिटिकल फिलासफी में काफ़ी हेल्पफुल है। फिर जो तो लाहौल बालिगा इलामा इकबाल सच कॉन्सेप्ट जो है इस्लामिक स्टडीज़ में भी आपके लिए है। और तो ये इंटर रिलेटेड एक इंटर डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट है, तो इसमें ये सेवन पॉइंट्स और ये बुक हेल्पफुल है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। थैंक यू।